हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह चैनल में, यूट्यूब चैनल में। यहाँ आपको बीएससी की सभी क्लासेस मिलती हैं। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जंतु विज्ञान के बारे में बात करेंगे। यूनिट सेकंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, चैप्टर सेकंड, चैप्टर बोलो या आप फिर यूनिट बोलो। सेकंड यूनिट हमारी चल रही थी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकंड, मतलब कोशिका अंगकों के कार्य तथा संरचना। तो इसमें हम आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। साइटो स्केलेटन, साइटो स्केलेटन ठीक, मतलब कोशिका पंजर जिसको बोलते हैं, कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। उससे पहले जो न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे, न्यू स्टूडेंट हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उनको बराबर रेगुलर अपडेट मिलते रहे। बाकी आपको इसका पीडीएफ वगैरह जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी प्रकार की चीज़ें अवेलेबल होंगी। द साइटो स्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सेल मेंटेनिंग दियर शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, कोई कोशिका है तो इसमें एक कंकाल होता है, जैसे कि हमारी बॉडी है, शरीर है, तो हमारी हड्डियों से, बोन से मिलकर एक स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है। उस स्केलेटन सिस्टम से ये जो हमारी बॉडी का शेप है, प्रॉपर आकार, ढांचा बना हुआ है, वरना सारी चीज़ें एक में कोलेप्स कर जाएंगी। जैसे कि सभी हड्डियां शरीर से निकाल ली जाएं तो एक पॉलीथीन में आप भरने के लायक हो जाओगे ना। तो उसी तरीके से ये जो सेल होती है, सेल के अंदर भी कुछ स्केलेटन फ्रेम किया जाता है, जिसके कारण वो जो सेल्स है वो पिचके ना, खुली रहे, समझ रहे हो। तो इसके अंदर भी कंकाल होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कंकाल है। द साइटो स्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सेल मेंटेनिंग दियर शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। आंतरिक संगठन जो है और अपने आकार को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब यांत्रिक सहारा भी देता है, दैट इनेबल्स सेल्स टू कैरी आउट एसेंशियल फंक्शंस लाइक डिवीजन, जैसे सेल डिवीजन में, और मूवमेंट जो गति होती है, सेलुलर मूवमेंट, उसमें भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा ठीक है। ये पहले देखिए, ये वाला डायग्राम, आप यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें बेसिक सेल में जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आपके गोल्जी बॉडी दिखाए गए हैं ठीक है इस तरीके से, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ये अंदर से काट के दिखाया गया है किस तरीके का होता है। वैक्यूल्स वगैरह सब इसमें प्रेजेंट है, राइबोसोम होते हैं, प्राक्सिसोम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है। ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी स्केलेटन का पार्ट होता है, ये भी स्केलेटन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे आ जाइए, द साइटो स्केलेटन इज अ कॉम्प्लेक्स कॉमा डायनेमिक नेटवर्क, एक जाल बना होता है ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन फिलामेंट्स, मतलब जो प्रोटीन के फिलामेंट है उससे बना होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के फिलामेंट से द्वारा के द्वारा बनाया जाता है साइटोस्केलेटन, इंक्लूडिंग दोज ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। इन यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट की बात करें, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था,
अगर किसी एक यूकेरियोटिक की बात करें तो ये जो स्केलेटन होता है, ये स्केलेटन कहाँ से कहाँ तक होगा? जैसे कि मान लीजिए ये आपकी सेल है, इसमें आपका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक का ये इतनी जगह जो होती है हमारी, इसमें आपका ये स्केलेटन सिस्टम फैला हुआ होता है इतनी दूर तक। ठीक है, ये लिमिट भी आपको याद रखना है, बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन, एंड इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट, जिनको हम अलग अलग लेक्चर में सेपरेटली पढ़ेंगे, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट पे अलग लेक्चर आपको दिया जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इन तीनों पे आपको सेपरेट लेक्चर दिए जाएंगे। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिनसे आपका साइटोस्केलेटन फ्रेम होता है, एंड दीज आर ऑल कैपेबल ऑफ रैपिड ग्रोथ और डिसेंबली डिपेंडेंट ऑन द सेल्स रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिक चीजें जो होती हैं साइटोस्केलेटन, इन्हें प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको साथ साथ नोट भी करनी है, सभी नोट करना है साथ साथ। अगर नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यही नोट्स आपको काम देंगे आगे चलकर। तो अगली स्लाइड हम लगाते हैं। देखो, ये बेसिक आइडिया यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेल के बारे में दे दिया जाए कि सेल में कितनी चीजें हैं। एक सुविकसित सेल जो होती है, कंपोनेंट ऑफ अ टिक टिपिकल एनिमल सेल, अगर कोई जंतु कोशिका है तो उसके अंदर क्या क्या होगा? पहली बात तो न्यूक्लियोलस होगा, मतलब केंद्रिका, जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस कहने का मतलब केंद्रक। थर्ड, इसमें राइबोसोम होंगी, डज अ पार्ट ऑफ इस नॉट, ये मतलब स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, वेसिकल होंगी। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हो, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? खुरदुरी अंतःप्रदीपीय जालिका, खुरदुरी अंतःपराद्रव्यी जालिका। ठीक, खुरदुरी अंतःप्रदीपीय जालिका। इसके अलावा सेल के अंदर क्या होगा? गोल्जी अपेरेटस होगा, गोल्जी बॉडी, और आपका होगा साइटोस्केलेटन। क्या होगा? साइटोस्केलेटन, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे ऑलरेडी और राइबोसोम पे पेरोक्सीसोम पे लेक्चर बन चुका है, आप लोग देख लीजिए जरूर। वैक्यूल होगा, साइटोसोल होगा, साइटोसोल मतलब वही साइटोप्लाज्म, फ्लूइड दैट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स विद व्हिच कंप्राइजेस साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम मिलेंगे आपको, इसके अलावा सेंट्रोसोम मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एक सेल की, सेल इन्हीं चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक, अब हम साइटोस्केलेटन में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अ मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द साइटोस्केलेटन्स। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू गिव द सेल इट्स शेप, मतलब पहला जो प्राथमिक कार्य इसका क्या है कि सेल को आकार देता है, शेप देता है, एंड मैकेनिकल रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन, मतलब इसको डिफॉर्म होने से बचाता है, यांत्रिक प्रतिरोध इसको प्रदान करता है, एंड थ्रू एसोसिएशन विद एक्स्ट्रा सेलुलर कनेक्शन टिश्यू एंड अदर सेल्स इट स्टेबलाइज इंटायर टिश्यू। ठीक है, पूरे ऊतकों को ये स्थायित्व तो प्रदान करता है। द साइटो स्केलेटन कैन आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये संकुचित भी हो सकता है, देयर बाई डीफॉर्मिंग द सेल एंड द सेल्स इन्वायरमेंट एंड अलाउिंग सेल टू माइग्रेट। सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन भी इसमें हो सकता है, जैसे यहाँ पे सेल है इस तरीके से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर आगे बढ़ेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर आगे बढ़ेगी, जैसे कि अमीबा वगैरह जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटोजोअन से वो जैसे चलते हैं उसी तरीके के इसमें मूवमेंट को भी ये फेवर करता है। मोरिवर
इट इज इन्वॉल्व इन मैनी सेल सिग्नलिंग पाथवे। सेल सिग्नलिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड इन द अपटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जैसे कि इंडोसाइटोसिस। अब जो इंडोसाइटोसिस मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जूलॉजी के अगर पूरे लेक्चर आप देख रहे हो कंटिन्यू, तो आपको मिला होगा, ठीक। इंडोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, इस तरीके से है, कोई फॉरेन पार्टिकल है और वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर घुस जाता है, ठीक, इस तरीके से अंदर जाता है। तो इसमें भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसमें भी हेल्प करता है। द साइटोकाइनेसिस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब कोशिका द्रव्य का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, वहाँ भी हेल्प करता है। एज स्केफोल्डिंग टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स ऑफ द सेल इन स्पेस एंड इन इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स एंड ऑर्गेनलीज विद इन द सेल, एक कोशिका के अंदर ही, जैसे कि राइबोसोम का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, वैक्यूल्स का मूवमेंट, गोल्जी बॉडी का मूवमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का मूवमेंट, जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, उनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है कौन आपका, साइटोस्केलेटन। एंड कैन बी टेम्पलेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, समझते हो ना। फर्दर मोर इट कैन फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सच एज फ्लैजेला। फ्लैजिला के फॉर्मेशन में सीलिया, फ्लैजिला, फ्लैजिला और सीलिया क्या करते हैं, ये कशाभिका और पश्चमाव, यही तो मूवमेंट प्रदान करते हैं भाई सेल को। लेमेलिपोडिया, पोडोसोम्स, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाते हैं जो स्ट्रक्चर, एंड पोडोसोम्स। और बात करें हम तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द साइटोस्केलेटन कैन बी वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप। मतलब बैक्टीरियल सेल है या किसी एनिमल, कॉम्प्लेक्स एनिमल की सेल है या फिर प्लांट सेल है, इन चीज़ों को देखते हुए ये साइटोस्केलेटन भी अलग अलग टाइप का होता है। इवन विद इन वन सेल द साइटोस्केलेटन कैन चेंज थ्रू एसोसिएशन विद अदर प्रोटीन्स एंड द प्रो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द नेटवर्क। मतलब एक ही सेल के अंदर इसका चेंज भी हो सकता है। मान लो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे साइटोस्केलेटन दूसरे टाइप का था, फिर कुछ एडिशनल प्रोटीन से एसोसिएशन के बाद में हल्का सा बदल सकता है, ठीक है। तो इसमें विद इन द वन सेल इसमें चेंज भी देखने को मिल सकता है। अ लार्ज स्केल एग्जाम्पल ऑफ एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द साइटोस्केलेटन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेशी संकुचन, क्या बोलते हैं इसको, पेशी संकुचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेशी संकुचन। दिस इज कैरी आउट बाय ग्रुप्स ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स वर्किंग टूगेदर। मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी, तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, हाथों से लिख रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रेक्ट कर रही है, मैं हाथ ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, वरना मूवमेंट होता नहीं। तो मसल के कॉन्ट्रेक्शन में ये सेलुलर लेवल के फंक्शन है, मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे मैकेनिज्म हो रही है, तभी बोल पा रहा हूँ, ये आपको पता है ना कि बॉडी, इसीलिए तो बोलते हैं बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट वो सेल होती है, क्योंकि सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कहाँ से परफॉर्म किए जाते हैं, सेलुलर लेवल से। अ मेन कंपोनेंट इन द साइटोस्केलेटन दैट हेल्प्स शो द ट्रू फंक्शन ऑफ दिस मसल कॉन्ट्रेक्शन इन द माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफाइब्रिल। अभी आगे पढ़ोगे एक्टिन मायोसिन फाइबर्स होते हैं ना, वो अगर मसल सेल की बात करें तो वहां पे बहुत हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ द मोस्ट अबंडेंट सेलुलर प्रोटीन्स नोन एज एक्टिन।
मतलब जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है कि माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो आपको याद रखना है एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन के दौरान ऑफ अ मसल विद इन ईच मसल सेल मायोसिन मोलिक्यूल मोटर्स कलेक्टिवली एग्जर्ट फोर्सेस ऑन पैरेलल एक्टिन, ठीक है, फिलामेंट्स। आप मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़े होंगे 11th में, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा मैं ब्राइफली आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक मायोसिन मायोसिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, मायोसिन मॉलिक्यूल, और इस तरीके से एक्टिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है, आप 11th में पेशी संकुचन वाले पार्ट में जरूर इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो इसका हेड होता है मायोसिन का, इसमें एटीपीएज एंजाइम होता है, ये एक एटीपी को यूज करता है और बनाता है एडीपी, ठीक है, इसको एनर्जी मिलती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, और ये यहाँ पे एक्टिन से एक्टिन पे एक्टिव साइट होती है ना यहाँ पे, तो एक्टिन से बाइंड करता है, फिर ये इधर को खींचता है जिससे कि मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है। हालांकि ये हमारे आज के टॉपिक का पार्ट नहीं है, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, मसल कॉन्ट्रेक्शन में आप पढ़ते हो सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा। मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट फ्रॉम नर्व इम्पल्सेस, मतलब ये सब काम कब स्टार्ट होगा, जब तंत्रिका तंत्रिका सूचना मिलेगी, तंत्रिका के द्वारा नर्व इम्पल्सेस स्टार्ट होगी, व्हिच देन कॉजेस इंक्रीज्ड मसल सेल, कॉजेस इंक्रीज मसल सेल मायोसिन मोलिकुलर मोटर्स कलेक्टिवली एग्जर्ट फोर्स, कहाँ पे थे हम, मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट फ्रॉम नर्व इम्पल्सेस व्हिच देन कॉजेस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मतलब Ca2+ जब बाइंड करेगा ना तभी एक्टिन से ट्रोपोनिन हटेगा, इसमें एक और प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो कैल्शियम के लिए खुल जाता है, बी रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, क्योंकि नॉर्मल सेल में हम जैसे कोई सामान्य सेल है तो उसके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल प्लाज्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही अगर हम मसल सेल की बात करेंगे तो वहां सार्कोप्लाज्मा बोल देते हैं, ठीक, इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल के अंदर होगा उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और ये कैल्शियम का भंडार होता है, यहाँ पे कैल्शियम स्टोर रहता है, तो कैल्शियम यहाँ से रिलीज होने लगता है, इंक्रीजेस इन कैल्शियम इन द साइटोसोल अलाउ मसल कॉन्ट्रेक्शन टू बैंग विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन्स ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, देखो वही वर्ड आए, तो इसके थ्रू जब कैल्शियम रिलीज होगा सबसे पहले नर्व इम्पल्सेस आएंगे, तंत्रिका से सूचना आएगी कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होना स्टार्ट होंगे, फिर जब रिलीज होंगे तब यहाँ से ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन हट जाएंगे, एक्टिव साइट खुल जाएंगे, वहां पे मायोसिन हेड बाइंड करके खींच देगा, तो इस तरीके का कुछ ये प्रोसेस होता है, ठीक। हम थोड़ा सा साइटोस्केलेटन की हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन मेन हमारा पार्ट नहीं है आज का, बस ये बताना है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में साइटोस्केलेटन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, इन 1903 निकोलाई के कोल्सो प्रपोज दैट द शेप ऑफ सेल वाज डिटरमाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट ही टर्म्ड द साइटोस्केलेटन, इन्होंने सन 1903 में कोशिका के आकार के बारे में निर्धारण किया था, इन्होंने बताया कि एक ट्यूब्यूल्स मतलब नलिकाओं का बना हुआ जाल होता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, जो इसको प्रॉपर शेप देता है, आकार देता है, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोटीन मोजेक दैट डायनेमिकली कोऑर्डिनेट साइटोप्लाज्मिक बायोकेमिस्ट्री वाज प्रपोज्ड बाय रुजोल पेटर्स पेटर्स इन 1929। विल द टर्म साइटो साइटो स्पिलिट इन फ्रेंच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई फ्रेंच एम्ब्रायोलॉजिस्ट पॉल
विंटर बर्ड इन 1931। इसके अलावा अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन की हिस्ट्री से रिलेटेड, व्हेन द साइटोस्केलेटन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इट वाज दाउ टू बी एन यूनी इंटरेस्टिंग जेल लाइक सबस्टांसेस दैट हेल्प्ड ऑर्गेनेलीज स्टे इन प्लेस। मतलब जैसे कि ये मूवमेंट भी देता है ऑर्गेनेलीज को। और इस तरीके से देखिए, मान लो ये माइटोकांड्रिया है आपका, क्या है, माइटोकांड्रिया है, ठीक है, माइटोकांड्रिया। अब यहाँ पे आपका नेटवर्क पूरा बिछा हुआ है, ठीक, नेटवर्क बिछा हुआ है साइटोस्केलेटन का, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए है सेल में ये प्रोटीन के फिलामेंट इस तरीके से नेटवर्क बना है। अब यहाँ पे एक राइबोसोम होगा तो उसको एक जगह पे, इसको एक जगह पर रहने में भी हेल्प करता है, जब जरूरत होती है तो ये जगह देके इनको ट्रांसपोर्ट भी कराता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिस्ट मैं बताया हूँ बस उन्हीं को आपको याद रखना है, बाकी चीजें की जरूरत नहीं। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन थ्री मेन काइंड्स ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, जैसे कि माइक्रो फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन न्यूरॉन्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर नोन एज न्यूरोफिलामेंट। अगर हम इन्हीं इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात न्यूरॉन सेल में करेंगे तो वहां पे हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स। ईच टाइप इज फॉर्म्ड बाय द पोलराइजेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी प्रोटीन आपस में मिलकर उसमें पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब बहुलीकरण होता है, फिर ये न्यूरोफिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रोफिलामेंट्स आर पॉलीमर्स, मतलब ये पॉलीमर होते हैं किसके, छोटी छोटी प्रोटीनों के, पॉलीपेप्टाइड के, ऑफ द प्रोटीन एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन, बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट, एंड आर 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड आर 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। माइक्रोफिलामेंट किससे बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन के। वही हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल की, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये किसका बना हुआ है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। किसका, ट्यूबुलिन। माइक्रोफिलामेंट ट्यूबुलिन से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन से, देखो ट्यूब्यूल ट्यूबुलिन ऐसे याद रख सकते हो। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये हर बार पुस्तक पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है, जैसे कि द साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स द सेल विद स्ट्रक्चर एंड शेप एंड बाय एक्सक्लूडिंग माइक्रो मोलिक्यूल्स फ्रॉम सम ऑफ द साइटोसोल इट एड्स टू द लेवल ऑफ माइक्रो मैक्रो मोलिक्यूल क्राउडिंग इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके रोल हो गए, तो ये सब आपके पास मैं सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें जितनी थी मैंने बता दिया है, कि जो मेन चीजें हैं, कि जो माइक्रोफिलामेंट, पहली बात आपका जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटो स्केलेटन, ठीक है, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला माइक्रो फिलामेंट, सेकंड हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक। माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन की, एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होगा होता है, पॉली पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलीकरण, क्या होता है, बहुलीकरण, जिससे बनते हैं माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन के बहुलीकरण से। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनते हैं, ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बहुलीकरण से, ट्यूबुलिन प्रोटीन के
बहुलीकरण से। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी स्मॉल प्रोटीन मोलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से, पॉलीमराइजेशन ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि साइटोस्केलेटन में तीन चीजें होती हैं मैन, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बहुलीकरण से बनते हैं पॉलीमराइजेशन से, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है स्मॉल प्रोटीन मोलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इसके अलावा आपको मैं अगर फंक्शन की बात करूँ, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, फंक्शन ऑफ साइटो स्केलेटन, तो इसको मैंने आपको बताया ही, जैसे कि फ्लेजरल मोमेंट है या सेलुलर मोमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन की बात है उसमें भी हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेलुलर मोमेंट ठीक, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स, मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन में ठीक है, और न्यूरॉन सेल न्यूरॉन सेल्स मोमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, मोमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज ठीक है, जो कोशिका अंगक होते हैं उनकी गति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है ठीक है। इसके अलावा सेल डिवीजन हो गया, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो जितने मैंने बताए हैं ये आपको याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ठीक है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर का हम माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह पे पूरा लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे ठीक। फिर हमारी यूनिट ये ख़त्म हो जाएगी, तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए आप अच्छे से मस्त पढ़ाई करो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।